मैं जगतार सिंह कपूरी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा इंडिया नेचर अराउंड अस के लिए अगला अंक लेके हाजिर हूँ। ये एक और दरख्त यही बिलासपुर कपूरी के सड़क पे पड़ा है। देखिए जो भारी भरकम आज अंधेरी आई बिलासपुर में भी आपको मैं दिखाया है कि कार के ऊपर दरख्त गिरा हुआ अस्पताल में, या थोड़ी देर पहले मैंने एक एकड़ का दरख्त दिखाया आपको जो गिरा हुआ था। तीनों में समानता एक ही है, समानता बताता हूँ मैं आपको क्या है। ये देखिए इतना भारी भरकम दरख्त और इसके जो जड़ें हैं ये सड़क की साइड से कटी हुई हैं। ये जड़ें जो है इतना वजन कैसे सहारेंगे, जब इनको हमने पहले ही काट दिया कुछ ऐसे कर दिया तो ये जड़ें बैलेंस कैसे रखेंगी। कुदरत का नियम है कि वो बैलेंस दरख्त का रखती है। ये देखिए आपने देखा इसके नीचे जो मेन जड़ है वो है ही नहीं, इसकी कटी हुई है पहले ही, तो उसके साइडों में जड़ें थी वो भी नरम थी कटी हुई थी, तो इसलिए जब थोड़ा सा अंधेरी आई तो ये गिर गया। और ये भी देखो कि ये गिरा उस साइड में है जिधर सड़क नहीं थी, सड़क इधर है, सड़क दिखाता हूँ मैं आपको, ये सड़क है। अगर इस साइड में, क्योंकि इस साइड की हवा थी आज जो थी उत्तर दक्षिण की हवा थी इसलिए इधर को गिरा, अगर ये इधर गिर जाता दूसरी साइड में तो बहुत नुकसान होता, बहुत कुछ हो जाता, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारी इसमें अपनी भी जो है वो गलतियाँ हैं। हम कुदरत का साथ नहीं देते, हर हम कुछ ना कुछ कुदरत के खिलाफ चलते हैं। इसीलिए ये देखिए इसकी जड़ों का देख लीजिए आप हाल, इसका जड़ों का क्या हाल है। तो जब जड़ें ही नहीं होंगी तो बैलेंस कैसे रहेगा उसका दरख्त का। ये तो इतना बड़ा दरख्त भी नहीं था, छोटा ही था, और लेकिन फिर भी हम ख्याल नहीं करते इस बात का। जब भी सड़क के नज़दीक होता है कोई दरख्त या कहीं और होता है और मतलब के लिए उसको काटते हैं पीटते हैं उसकी जड़ों निकालते हैं, सोचते हैं कुदरत अपने आप ही जानेगी इसको, लेकिन वो होता क्या है, कभी ना कभी हमारा नुकसान होता है। ये भी देखिए अगर यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी होती या करता, खेत है ये मालिक का, खेत की तो बर्बादी कर दी ना इसने, अगर कोई इंसान होता कोई डंगर पशु होता कोई और सांधा होता तो वह भी इसने बर्बाद करना था। तो हमें कुदरत के साथ तालमेल रखना पड़ेगा, इसलिए हम कामयाब रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।